मोदी पहुंच चुके हैं श्री राम लला विराजमान के दर्शन करने के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल साथ में हैं और इस समय श्रद्धावनत हैं नए भारत के स्वप्नद्रष्टा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सम्मुख। इस समय एक सन्यासी श्रद्धावनत हैं, इस समय एक परिव्राजक श्रद्धावनत हैं, इस समय विकास पुरुष श्रद्धावनत हैं आदि पुरुष के समक्ष, इस समय नए भारत के स्वप्नद्रष्टा श्रद्धावनत हैं और समूचे राष्ट्र की ओर से भगवान श्री राम लला विराजमान के चरणों में पहुंचे हैं राष्ट्र मंगल की कामना करने के लिए। प्रमुख महंत सत्येंद्र दास जी महाराज, दीप देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र कल्याण की कामना कर रहे हैं, क्योंकि अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय, यह हमारे वेदों में कहा गया है, यह हमारे मनीषियों ने कामना की है। प्रधानमंत्री जो कि नए भारत के अभ्युदय की कामना लेकर ही वहाँ पहुँचे हैं, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं श्री राम लला विराजमान को। प्रधानमंत्री इसके बाद राष्ट्र द्वारा प्रस्तुत की जा रही कार्यांजलि का भी अवलोकन करेंगे, जबकि दिव्य भव्य नव्य भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण कार्य के वो साक्षी बनेंगे और जिसका सौभाग्य उन्हें हासिल हुआ था 5 अगस्त साल 2020 को भूमि पूजन करने के जरिए। तो इस समय दीप प्रज्वलित करके भगवान श्री राम लला विराजमान के दरबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूचे राष्ट्र की ओर से राष्ट्र कल्याण की कामना कर रहे हैं, विश्व कल्याण की कामना कर रहे हैं। हमारी ही संस्कृति है जो कि वसुधैव कुटुंबकम कहती है, राष्ट्र में राष्ट्र निर्माण की एक अलख जागी है, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की एक अलख जागी है। जगत गुरु होती है, जब ये संकल्प होता है तभी ऐसे राष्ट्र पुरुषों का निर्माण होता है जिन्होंने आजीवन इस मंत्र का जाप किया कि इंद्रासन वैभव नहीं प्यारा, माता की गोदी प्यारी, नमो नमो जग जननी माँ हैं, मिट्टी में हैं फूल खिले, स्वर्णमयी लंका न मिले माँ, अवधपुरी की धूल मिले। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अवधपुरी की धूल को स्वर्ण के सुखों से भी ज़्यादा श्रेयस्कर माना और साथ ही साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम न केवल सनातन संस्कृति के बल्कि विश्व की अनेक संस्कृतियों के बीच में भी राम सेतु का कार्य करते हैं, क्योंकि तब जबकि पश्चिम की संस्कृतियां वनों में रहकर आदिमानव जैसी जिंदगी जीती थी, तब हमारे गंगा और यमुना के तटों पर साम गान का हमने उद्घोष किया था। कहा गया है, जब पश्चिम ने वनफल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, तब भारत में सामगान का स्वार्गिक स्वर था दिया सुनाई। सही बात यह है कि सनातन संस्कृति ने ही पूरे विश्व को ज्ञान दिया, सनातन संस्कृति ने ही पूरे विश्व को अर्थ धर्म मोक्ष की राह दिखाई और आज उसी अवधपुरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों करोड़ों भारतवासियों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं भगवान श्री राम।